सानुल्ला ने क्वेटा की बैटिंग लाइन को दफना दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तबाह कौन बोलेंगे उसकी, सिर्फ 12 रन दे के 5 विकटें। सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया यार। मैं तो समझ रहा था मुल्तान के पास सिर्फ बैटिंग है, यह कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, ऐसा बॉलर नहीं है जो शाहीन की तरह हो, नसीम की तरह हो, नवाज की तरह हो, मगर मैं गलत था। अरे भाई यार, क्या बॉलिंग की उस बंदे ने। उमर अकमल, सरफराज अहमद, जैसन रॉय, सबको ले उड़ा, कोई नहीं टिका उसके सामने। अच्छी बॉलिंग की सानुल्ला ने। और उसके बाद क्वेटा की बॉलिंग, अबे कोई मज़ाहमत तो करो यार, कोई तो मज़ाहमत करो, कुछ भी नहीं किया उन्होंने यार। नसीम शाह ने बड़ा बड़ा एक नाराज़ किया हमें यार, कुछ भी नहीं कर सका यार। इतना फर्स्ट क्लास बॉलर है नसीम शाह, नसीम शाह मुल्तान की एक भी विकेट नहीं ले सका यार। ये दुख हुआ मुझे नसीम शाह की तरफ से। पूरा मैच बड़ा ज़बरदस्त था यार, 110 पे क्वेटा की आर टीम आउट। मुझे समय ये नहीं आ रही, सरफराज अहमद ने मोहम्मद हफीज़ को 8वें नंबर पे क्यों भेजा बैटिंग करने, जबकि हफीज़ ओपनिंग कर चुका है, वन डाउन आ चुका है, ये 8वां नंबर उसका बनता नहीं था, उसको इतना लेट भेजा, ये ठीक नहीं था उसका। बहरहाल मुल्तान की बॉलिंग लाइनअप ने क्वेटा के बैटिंग लाइनअप को दफना दिया भाई, ख़त्म कर दिया। इतना ज़ालिम मैच, इतना ज़ालिम मैच यार, तबाह कर। वैसे हमारी वुमेंस T20 में जो पहली 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 फतह आ गई आयरलैंड के ख़िलाफ़, चलो बोनी होगी हमारी, हमारी बोनी हो गई है। मुनीबा अली की पहली सेंचुरी है पाकिस्तान की तरफ से T20 में। अरे एक अच्छा कमबैक किया है, इंशाल्लाह फ़ाइनल खेलो, हमारी उम्मीद है कि आप फ़ाइनल खेलोगी T20 वर्ल्ड कप का। आगे भी इस फतह को बरकरार रखो, आगे भी फतह समेटो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करो।